हेलो जी एवरीवन, जी कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल जो टॉपिक डिस्कशन किए थे उसके बाद के जितने टॉपिक्स हैं। कल हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया था चार्ज, उसके साथ डिस्कस किया था आपका करेंट और डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा रिविजन करेंगे। आप डेली करेंट अफेयर्स देखते रहिएगा हर सुबह, ताकि आपका जो करेंट अफेयर्स का सेशन है वो बहुत ही मजबूत हो जाए और एग्जाम के समय में आपको उस पर ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आपका करेंट अफेयर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था आवेश, आवेश को कहते हैं चार्ज और इसे दिखाते हैं क्यू से और इसका यूनिट होता है आपका कूलम्ब। उसके बाद हम लोगों ने देखा था धारा, और ये कैसा धारा है तो विद्युत धारा है जिसको बोलते हैं करेंट, और इस करेंट को दिखाते हैं आई से और इसका यूनिट है आपका एम्पियर। थोड़ा सा इसके फॉर्मूला के ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या कल पढ़े थे। फिर पढ़े थे विभव जिसको बोलते हैं वोल्टेज, और इस वोल्टेज को दिखाते हैं वी से, इसका यूनिट होता है वोल्ट। थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए आई बराबर होता है आपका क्यू बाई टी। आई क्या है तो धारा है, कैसा धारा, विद्युत धारा, और ये होता है क्यू। क्यू का क्या हो जाएगा, कूलम, क्योंकि क्यू क्या है, चार्ज है, और टाइम जो है वो सेकेंड, और इसी को बोलते हैं आपका एम्पियर। विभवांतर की बात करें, विभवांतर की अगर बात करते हैं तो विभवांतर हम लोग क्या आप जानते हैं कि एक पॉइंट से, मान चलिए एक आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है वही पोटेंशियल के रूप में स्टोर होता है और उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क बाय चार्ज, और वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और जो क्यू है, क्यू क्या है, चार्ज है, और जो चार्ज है उसका यूनिट होता है आपका कूलम्ब, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्ट। इतना क्लियर है। कुछ और चीज़ों के बारे में बात किए थे वो आप जब वीडियो देखिएगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है, और वो जो है काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प करेगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र को, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान चलिए ये आपका एक कंडक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। जब जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि करंट फ्लो करेगा इसके चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण होगा, और ये जो क्षेत्र है इसे ही बोलते हैं आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें अगर कोई चार्ज या फिर कोई पार्टिकल अगर आने की कोशिश करेगा तो ये एक बल का अनुभव करेगा, और ये जो बल है इसको दिखाते हैं एफ से। एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो इस फोर्स का, इस बल का तीव्रता क्या होगा, किसके ऊपर, तो विद्युत क्षेत्र के ऊपर, विद्युत क्षेत्र के ऊपर। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एफ इजक्वल टू ई इंटू क्यू, ठीक है। अब ये जो एफ है क्या है, तो ये जो है यही बल है जो इस क्षेत्र के अंदर जाने का कोशिश कर रहा है, तो इसके द्वारा या तो इसे खींचा जाएगा या फिर बाहर ढकेला जाएगा, डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, और यही जो चार्ज है उसमें लगने वाला ये जो है बल है, और बल को हम लोग क्या से दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, और इसी के ऊपर हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर से ई क्या है, तो ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई क्यू। अब एफ का क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है क्योंकि फोर्स है, क्यू जो है वो चार्ज है और इसका होता है कूलम, तो आपका जो यूनिट हो गया वो हो गया न्यूटन कूलम। इतना क्लियर है। तो ये है आपका विद्युत क्षेत्र का जो है, इतना से को ही क्वेश्चन बनेगा और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और है विद्युत क्षेत्र से, किसी भी होलो, होलो मतलब अंदर से जिसमें खाली हो, उसमें अंदर जो है किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इन सब जगहों पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सिर्फ ऐसे क्षेत्रों में होगा, मतलब एक अंदर का जो चीज़ है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं कार में, कार में क्या कहा जाता है,
जब बादल गरजे तो कार की जो है खिड़कियों को बंद कर ले, और जिससे आप जो विद्युत है मतलब जो लाइटिंग है उसके प्रभाव से बच सकते हैं और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये मेनली है आपका बचाव का तरीका यदि आप किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है आपको बचा सकता है। जो लाइटिंग है उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, बस आपको जो है खिड़की को बंद करके रख देना है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो मटेरियल के ऊपर है कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करता है, किसके ऊपर नहीं फ्लो करता है। मतलब कि पदार्थ को देखेंगे और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव जो होता है उसको देखेंगे। तो मेनली हम लोग तीन टाइप का जो है पदार्थ है उसको देखेंगे। पहला है आपका सुचालक, उसके बाद दूसरा है आपका कुचालक, और तीसरा है आपका जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए क्या होता है, सुचालक में अब बहुत आसानी से विद्युत धारा प्रवाह करता है, जैसे चांदी, कॉपर, साथ ही साथ अम्ल या फिर आपका बेस जिसको क्षार कहते हैं, अशुद्ध जल, उसके बाद आपका आता है कौन सा चीज़, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी जो सुचालक है किसका, विद्युत का। कुचालक जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है, जैसे रबड़, उसके साथ आता है आपका लकड़ी। तो ये सब ऐसे चीज़ है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर की बात करें तो कुछ कंडीशन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगा उसको वो तब बोलेंगे कंडक्टर, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे इंसुलेटर, मतलब कि कुचालक, तब उसको बोलेंगे आपका कुचालक। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुचालक, सुचालक और आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कहाँ यूज होता है, तो सेमीकंडक्टर जो यूज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहने का मतलब मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों पे आपका सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम। मेनली इन दो मटेरियल्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका जो सेमीकंडक्टर है उसमें। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मटेरियल जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का डिस्कशन करते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है, और वो हर एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और उसका नाम है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है, तो एक प्रॉपर्टी है जो विद्युत धारा को रोकता है या फिर रोकने की चेष्टा करता है। विद्युत धारा को रोकता है या फिर रोकने की चेष्टा करता है, मतलब कि रोकने का ट्राई करता है, उसी को बोलते हैं आपका प्रतिरोध। थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को और समझे तो ये जो विद्युत धारा है आपका, विद्युत धारा को सबसे पहले जो रेजिस्टर है वो रोकने का प्रयास कर, और इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एक प्रतिरोधक जिसको बोलते हैं आपका रेजिस्टर। मतलब इस जो प्रतिरोध है उसको किसी धारा के ऊपर लागू करने के लिए रेजिस्टर का प्रयोग करेंगे, और रेजिस्टर होता है आपका इस टाइप का एक मटेरियल जिसको हम लोग किसी भी विद्युत धारा के रास्ते में लगा देंगे, धारा के रास्ते में लगा देंगे, और इसको जो है ये जो प्रतिरोध है ये रोक देगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं जिस चीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। आपने क्लास 10 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, और ये जो ओम लॉ है इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तभी हम लोग प्रतिरोध को और आसानी से समझ सकते हैं।
ये तो था थोड़ा सा प्रतिरोध का मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया क्योंकि अभी हम लोग ओम्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं। ओम्स लॉ जो है वो जो है एक रिलेशन देता है किसके किसके बीच, प्रतिरोध, धारा और विभवांतर, इसके बीच एक रिलेशन देता है और इस रिलेशन को दिया था ओम्स नामक वैज्ञानिक ने। और आपको बता दे इसके अनुसार जो है किसी किसी कंडक्टर में, ये एक कंडक्टर है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इसमें जो विभव है या विभवांतर है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका धारा का, मतलब भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका आई के। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बताया है कि जब जब कांस्टेंट रहेगा तो एक हम लोग उस पर लगाएंगे कांस्टेंट और जो है प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो है ये, और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे और इसी कांस्टेंट को हम लोग आर का नाम देंगे, तो भी बराबर हो जाएगा आर आई, और यही जो आर है इसी को बोलते हैं आपका प्रतिरोध। ठीक है, इसी आर को बोलते हैं प्रतिरोध। अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई, मतलब कि वोल्ट पर एम्पियर, और जब आर इजकल टू वी बाई आई लिखते हैं तो इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ओम, मतलब आर को किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं, आर को किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं, मतलब जो प्रतिरोध है उसका यूनिट क्या हो गया, तो उसका यूनिट हो गया आपका ओम। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे, इस प्रतिरोध को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका कई जगह पर यूज किया जाता है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन ये प्रतिरोध किसी कंडक्टर के ऊपर कितना प्रभावी होगा उसको जानने के लिए हमको एक रिलेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको जानना पड़ेगा। ये जो प्रतिरोध है ये जितना ज़्यादा लेंथ होगा, जितना ज़्यादा लंबाई होगा किसी कंडक्टर का, उतना ही ज़्यादा उस पर जो है प्रतिरोध होगा, और किसी कंडक्टर का जो मोटाई है, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या समझते हैं, ये क्षेत्र, मतलब उसका मोटाई जितना मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और इसलिए जब हम लोग इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो लिखते हैं एल बाई ए, और एल बाई ए अब यहाँ पर ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम लोग यूज करते हैं एक कॉन्स्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं आपका रेजिस्टिविटी या फिर आप कहीं कहीं इसका एक और नाम मिलता है विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इतना क्लियर है, हम लोगों ने क्या देखा कि रेजिस्टेंस देखा, ओम लॉ देखा, और ओम लॉ के बाद देखा कि जो रेजिस्टेंस है उसका लंबाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि अनुप्रस्थ जो उसका क्षेत्रफल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, तो जब हम लोगों ने अगर रेजिस्टेंस की बात की तो हम लोगों को तो चालकता की भी बात करनी पड़ेगी, मतलब कि कंडक्टिविटी की, तो चालकता बराबर होता है 1/r, चालकता बराबर क्या होता है 1/r, और इसको चालकता को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कंडक्टेंस। अब इसमें भी एक टर्म आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब विशिष्ट चालकता कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता ये क्या होता है, इसको दिखाते हैं जी से, और ये होता है आपका, इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब कि जो रेजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है इसी को पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये होता है 1/ρ। अब यहाँ पे रो का क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे रो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आपका आर ए बाई एल। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बता देते हैं, आर बराबर है रो एल बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, क्या हो जाएगा रो बराबर आर ए बाई एल, तो इसी को अगर हम लोग पलट दें तो हो जाएगा आपका एल बाई आर ए, तो ये होता है आपका
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं जो रेजिस्टेंस है उसको जोड़ने का तरीका दो होता है, एक होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल में, और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब उसके कॉम्बिनेशन की, उसको कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है, किसको, प्रतिरोध को। जो प्रतिरोध है उसको दिखाने के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, कौन सा सामान यूज करते हैं। जो प्रतिरोध है उसको हम लोग लगाने के लिए किसी धारा में यूज करते हैं, उसका नाम है आपका प्रति रेजिस्टर। रेजिस्टर और ये जो रेजिस्टर है आपका यूज किया जाता है किसी धारा में, धारा के फ्लो को रोकने के लिए। और इसका कैसा सेफ होता है, आपने अगर देखा हो आयरन वगैरह में लगा रहता है, या फिर वैसा चीज़ जिसको गर्म करना है उसमें हम लोग मेनली इसका यूज करते हैं। क्या करता है ये, जब धारा इस पे आता है, करंट इस पे फ्लो करता है, तो इसको रोकता है, और इसके रोकने कारण ही हीटिंग इफेक्ट, मतलब कि ये गर्म होना शुरू हो जाता है, और इसी गर्मी का हम लोग बहुत से जगहों पे सही इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने काम पे लाते हैं। उससे पहले बता दें कि इसको जोड़ने के लिए हम लोग दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, दो कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। एक को कहते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास देख लीजिएगा, आपको रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत क्लियर होंगे, और साथ ही उससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।